हेलो फ्रेंड्स, मैं लंबर साहू और यूट्यूब के सोल्यूशन इन हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह से आप जो है अपने प्रिंटर का जो है इंक रीसेट कर सकते हो और किस तरह से इस पर आपको हेड क्लीनिंग करना है। और जो है आपका अगर कलर नहीं बताता है, कोई सा भी कलर नहीं बताता है, वो प्रॉब्लम भी इसी से ठीक हो जाएगा। और प्लस इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि कई बार आपके इंक टैंक में जो है कलर रहता है, उसके बावजूद भी हेड तक नहीं आता और जो है नोजल चेक में भी उस कलर को नहीं बताता, तो हम इसको रीसेट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ नहीं लगेगा, बस प्रिंटर का कवर खोलना है। अगर आपका मॉडल है 220 या फिर 800 है, तो 800 में आपको कुछ नहीं करना है, हेड को बस सामने लाना है, जहाँ पास जो है यहाँ पास खाली पे स्पेस होता है वहाँ पास लाके करना है। अभी मैं यहाँ पास मॉडल यूज़ कर रहा हूँ, इप्सन का 130 मॉडल यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पास, L130। तो चलिए, इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए। और जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है कि उसको कैसे करना है, तो सेम वही प्रोसेस है, लेकिन इसमें थोड़ा अलग बता रहा हूँ। टोटल इसी के लिए मैं ये जो है वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पास एक स्क्रू दिख रहा है आपको, ये स्क्रू खोलना है। ये स्क्रू खोलना है आपको, उसके बाद जो है ये कवर जो है आपका ऊपर आ जाएगा। ये जो लॉक है, ये लॉक को उठा के ये बाहर करना है आपको। और देख सकते हैं ये जो है इसके ऊपर में ये पट्टी, इसको भी आपको निकालना है। उसके बाद ये देख सकते हैं ये कलर को निकालना है। इसमें भूलने वाली आपको कोई प्रॉब्लम बात नहीं है, भूलेंगे नहीं आप जो है निकालेंगे, तो जो कलर जो है ये जो कलर जहाँ पर जो पट्टी है उसी स्टाइल में आपको जो है इसको लगाना है। तो चलिए, हम इसको निकाल लेते हैं और एक एक करके जो है इसको कलर को निकालते हैं। कलर का जो ये सॉकेट है, ये किस तरह से निकलेगा, अभी जो लॉक है तो पीछे में यहाँ पास इसका लॉक जो है दिया हुआ है। पीछे में लॉक को आप जो ऐसे प्रेस करके, पीछे तरफ प्रेस करके आप जो लॉक को बाहर कर सकते हो। ये तो ये जो बाहर हो गया, अब देखते हैं, ये देखिए, तो ये देख सकते हैं आप, कुछ कलर जो है हमारे यहाँ पर सप्लाई ही नहीं हो रहा है, यहाँ तक कलर ही नहीं आ रहा है, इस वजह से प्रिंट जो है इन कलर के बगैर आ रहा है प्रिंट जो है। और प्लस जो है ध्यान दीजिएगा, ये काम जो करेंगे आप प्रिंटर बंद करके करेंगे, यहाँ पास प्रिंटर चालू हो गया था मेरे हाथ से। तो देखिए, इसको आपको फिर से यहाँ पास इंक लाना है। तो इसके लिए जैसे कि मैंने बताया, आपको एक निडल लेना है, यहाँ पास सिरिंज लेना है, और सिरिंज पे यहाँ पास ऐसे घुसा के आपको एयर जो है अपने तरफ खींचना है यहाँ पास। तो देखिए, ये देखिए, ये आ गया, ये हमारा कलर जो है यहाँ पास तक आ गया। इसके बाद जो है ये सबको इस तरह से करने के बाद आपको कुछ नहीं करना होता है, बस एक बार हेड क्लीनिंग करना है और आपका प्रिंट जो है जैसे पहले निकल रहा था वैसे ही बिल्कुल निकलेगा। देख सकते हैं, जब भी आप हेड क्लीनिंग करें तो आप ध्यान दीजिएगा, जो है आप जो है इंक बॉटल जो है, जो टैंक है उसका यहाँ पास जो ढक्कन होता है, जहाँ पास से कलर डालते हैं, उस ढक्कन को हमेशा खोल के कीजिए, ताकि जो है देखिए यहाँ पास एयर है, वो एयर नहीं आएगा। तो इस तरह से हम सभी कलर ध्यान दीजिए, दूसरे कलर को आप जो है मिक्स नहीं करेंगे किसी में। ये जो है हमारा कलर जो है अब सभी में आ चुका है। अब जो है हमको इसको फिर पहले की तरह जैसा लगा हुआ था वैसे ही हमको इसको लगाना है। तो लगाने के लिए कुछ मत कीजिएगा, ये जो है ये बस आपको नंबरिंग याद रखना होगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये हो गया। अब हम इसको ऐसे ही लगा देंगे,
ये देख लीजिए, यहाँ पास अगर मिसमैच किसी में होता है तो आपको यहीं पास से पता चल जाएगा कि वो मिसमैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो चलिए इसको प्रेस कर देते हैं। ये अब इसको जो है आप लगा दीजिए, यहाँ पास लॉक दिया हुआ है, उस लॉक में बस आपको इसको लगाना है। ये हो गया, अब इसका कवर जो है इस पर लगा देना है हमको। स्क्रू लगा देंगे यहाँ पास। ये हो गया हमारा काम। अब आपको क्या काम करना है, इस पर एक काम करना है, अब इसका इसको जो है हेड क्लीनिंग करना है आपको। हेड क्लीनिंग के बाद आप नोजल चेक करके देख सकते हैं इसका नोजल ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए कंप्यूटर पे आ जाते हैं हम इसको। कंप्यूटर में क्या करना है आप तो जानते हो, यहाँ पास जाना है आपको डिवाइस एंड प्रिंटर में, और उस मॉडल पे जाना है जो आपका मॉडल है उसको सेलेक्ट करना है आपको। देखिए जो मॉडल है आपको सेलेक्ट करना है उसको, और जाना है आपको प्रिंटिंग प्रेफरेंस में और मेंटेनेंस में। मेंटेनेंस में जाके यहाँ बाद जो है आप पहले हेड क्लीनिंग करेंगे तो जहाँ पर कलर जो जाम था या फिर जो कलर जो है मिक्स कर देगा उसको। अभी यहाँ पर कल प्रिंटर जो है वार्मिंग कर रहे हैं इसलिए नॉट क्लीनिंग कर रहे हैं। ये भी होता है जब इसको रीसेट करते हैं आप इंक लेवल को, उसके बाद में आप करते हैं चालू करते हैं, तो ये जो है ऑटोमेटिक वार्मिंग करके भी ये जो है इंक को रीसेट कर देता है। ये देख सकते हैं अभी प्रिंटर जो है वार्मिंग कर रहा है, ये ऑटोमेटिक जो है इसको नेटफ्लिक्स को क्लीन कर रहा है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर स्क्रीन टेस्ट कर देता हूँ। ये जो है ये लाइट ग्रीन लाइट जो है स्ट्रेचेबल हो गया है। मैं यहाँ पर अभी हेड क्लीनिंग नहीं कर रहा हूँ, अगर प्रिंट इसके पॉजिटिव भी ठीक नहीं आता तो हेड क्लीनिंग करूँगा। चलिए एक बार नोजल से इसका कर लेता हूँ, जहाँ तक मेरे ख्याल से ये जो है वार्मिंग कर रहा था तो ये जो है क्लीनिंग जो है कर लिया होगा, नहीं करता तो आप हेड क्लीनिंग कर सकते हो इसको। सॉरी पेपर मुड़ा हुआ था इस वजह से नहीं ले पाया इसको, मैं दूसरा प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। इसको दूसरा पेज यूज़ कर लेते हैं हम जो है, तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने दूसरा पेज यूज़ कर लिया है। अब प्रिंट दे के देखते हैं इसको। तो यहाँ पास आप जो है वीडियो पे देख सकते हो जो है ये तीन कलर जो है येलो मैजेंटा और सियान, ये जो है ठीक से ले रहा है, लेकिन ब्लैक जो है अभी भी नहीं ले रहा है। तो ब्लैक जो पहले भी नहीं आ रहा था इसमें, और वो ब्लू नहीं है, येलो नहीं आ रहा था, येलो ले लिया है। और ब्लैक जो है आपका हेड क्लीनिंग करने से, ये एक दो बार हेड क्लीनिंग करने से ये जो है आ जाएगा। तो आप जो है यहाँ पास इस तरह से करने के बाद हेड क्लीनिंग कर सकते हो, आपका प्रॉब्लम जो है 100% ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर ही देना। थैंक यू।